गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी। लेट नाइट सेशन स्टडीज़ का जारी है। डेट है आज 1 जुलाई, रात के बज रहे हैं 11:30। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं या फिर किसी भी तरह से ये वीडियोज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं तो। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, ना ही इन्हें किसी तरह का बढ़ावा देते हैं। हम यहाँ पर शेयर्स को करते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली थॉरली एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद में बाय कॉल देते हैं, जिनमें मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में अपनी पोजीशंस रखने के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन शर्तों को पूरा करते हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स हम पूरी तरह से डेडिकेटेड करेंगे लर्निंग पर, और इन 2 महीनों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को पूरी तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाकर इस चैनल को बाय बाय कर दें। इसी सीरीज़ के अंदर लर्न टू अर्न सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आज आपके सामने हम आए हैं। फ्रेंड्स, करंटली मार्केट का जो सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर पैसा कमाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम हो गया है, बल्कि पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो शेयर्स जिनके अंदर थोड़ी सी भी कमजोरी है उनमें बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही है। और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंटली कि न केवल अच्छे शेयर्स ढूंढे जाएं, बल्कि साथ ही साथ जो बुरे शेयर्स हैं उनसे दूर रहा जाए। तो अगर बुरे शेयर से आपको दूर रहना है, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेकर, ये कैसे पता लगेगा कि बुरे शेयर्स कौन से हैं और उनसे कैसे दूर रहा जाए, ये जानने के लिए जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, वो है लोअर लो एंड लोअर हाइज। आपने आमतौर पर सुन रखा होगा इस पर्टिकुलर टर्म को, जिसे कि ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। आपने बिजनेस चैनल पर सुना होगा इसे इस्तेमाल करते हुए, कि जब वो कहते हैं कि शेयर करंटली लोअर 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 हाई फॉर्म कर रहा है, इसलिए आपको इस शेयर से दूर रहना चाहिए। तो कैसे जाने कि आखिर ये लोअर लो और लोअर हाई क्या है, और किस तरह का चार्ट पैटर्न होता है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि शेयर लोअर 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 हाई बना रहा है, ताकि आप इस तरह के शेयर से दूर रहें। नॉलेज बिल्कुल ज़रा सा है, अगर आप खत्म करना चाहें इसे तो शायद 3 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 3 मिनट के अंदर अगर हम ये वीडियो खत्म कर देंगे तो ना आपकी समझ में आएगा, बाद में लाइव सेशन के अंदर बार बार आप हमसे पूछते रहेंगे, और ना ही हमारे वीडियो बनाने का मकसद हल होगा। तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, एग्जांपल्स के साथ में आपको दिखाएंगे, 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है लोअर लो और लोअर हाई। जैसा कि नाम क्लियरली इंडिकेट करता है, इसलिए इसे हम सीधे सीधे आपको चार्ट पर ही दिखाएंगे। और जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हेट्रेड टाइगर वर्जन है 2.5। आप में से वो लोग जो नहीं समझ पाए अगर कि हम इस समय क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हें करना चाहिए इस वीडियो को अभी पॉज, सीधे जाइए हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर, लर्न टू अर्न सीरीज के इससे पहले के जितने वीडियोज हैं उन्हें एक एक करके ध्यान से देखिए, सारे वीडियोज को सीरियल से देखिए, तो ही आपकी समझ में आएगा कि लर्न टू अर्न सीरीज असल में है क्या। ओके, बाकी सभी लोगों के लिए हम शुरू कर देते हैं। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह है ट्रेड टाइगर वर्जन 2.5। शेयर का चार्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह कैंडलस्टिक और इंट्राडे का कैंडलस्टिक, यानी कि एक कैंडल जो है ना, ये एक दिन का मूवमेंट दर्शा रही है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन है कि लोअर लो और लोअर हाई क्या है। लोअर लो यानी कि जो लो है हमारा, ये पिछले लो से और नीचे होना चाहिए, यानी तकरीबन ऐसा, और लोअर हाई यानी कि जो हमारा हाई है आज का, ये अपने पिछले हाई से नीचे होना चाहिए। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है बस, हमारा आज का ये लो पिछले लो से नीचे होना चाहिए, जो कि है करंटली दिख रहा है आपको, और हमारा आज का ये हाई पिछले हाई से नीचे होना चाहिए, जो कि है। अगर इस तरह की पोजीशन मैप के ऊपर बनती हुई आपको दिख रही है, देन दिस इज कॉल्ड लोअर लो लोअर हाई। लोअर लो लोअर हाई बेसिकली और कुछ नहीं है, एक मेजर डाउन ट्रेंड को शॉर्ट फॉर्म में कहने का तरीका है। आप डाउन ट्रेंड है अगर शेयर के अंदर, आप उसको थोड़ा सा और कठिन भाषा में कह लीजिए, ताकि आप दुनिया को ये दिखा सकें कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है और आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, और ताकि आम पब्लिक को समझ में ना आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आप जितनी फीस मांगे वो उतनी फीस दे दे। इन सारी बातों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो बजाय डाउन ट्रेंड के कह दीजिए कि शेयर लोअर लो और लोअर हाई के अंदर है। इसी चीज़ को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम आपको दिखाते हैं ठीक आपके सामने। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप क्लियरली इसको समझ जाएंगे। अब ध्यान से देखते रहिए, ऊपरी स्तरों पर आने के बाद शेयर के पास एक हायर लेवल है, जो कि है 1799 का। ठीक, फिर शेयर गिरना शुरू करता है, एक सपोर्ट लेता है 1400 का, अगला हाई 1400 के सपोर्ट लेने के बाद शेयर जो अगला हाई बना रहा है वो 1666 का है। जरा ध्यान से देखिए, ये हाई शेयर के पिछले हाई से नीचे बना है, और इस हाई के बाद जो अगला लो बनता है
जो कि है अप्रॉक्सीमेट 1187 का, ये लो शेयर के अगले जो इससे पहले का लो है उस लो से नीचे बन रहा है, यानी लोअर लो लोअर हाई। ठीक, और आगे आते हैं, ध्यान से देखिए, ये अगला हाई है, ये अगला लो है, लोअर लो लोअर हाई, अगेन दिखा आपको, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, देन कम्स ये अगला हाई है, लोअर हाई, और ये लो आ रहा है लोअर लो। ठीक, सो मोटा मोटी अगर आप इसे देखते हैं, इस शेयर पैटर्न को, तो देखने पर आपको ये लग रहा है कि शेयर हर बार लोअर लो लोअर हाईज बना रहा है और शेयर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी शेयर अगर लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर दे तो ऐसे शेयर से आपको हमेशा दूर हो जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, लोअर लो लोअर हाई आमतौर पर डेली में अगर क्लियर नहीं होता तो इसे वीकली बेसिस पर चेंज कर दीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। शेयर का जो पैटर्न है यहां पर देखिए, ये वीकली पैटर्न है, एक जो कैंडल स्टिक है ये एक वीक के मूवमेंट को दर्शा रही है, और देख ध्यान से देखिए, हाई 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 हाई, सारे हाई अपने पिछले हाई से नीचे, और सारे लोज जो अगले लोज हैं वो अपने पिछले लोज से नीचे। सो मींस लोअर हाई लोअर लो, क्लियर हो गया ये? सो लोअर हाई लोअर लो अगर किसी भी शेयर के अंदर है, लोअर लोज लोअर हाईस, ठीक है ना, ये किसी भी शेयर के अंदर है अगर, तो उस शेयर का पैटर्न डाउन ट्रेंड की तरह काम करता है, और अगर ऐसा है तो आपको उस शेयर से दूर हो जाना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखें कितनी देर का हुआ है, सिंपल 6 मिनट का वीडियो, बाकी का जो कुछ भी हम करेंगे इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, बट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये आपको समझना चाहिए। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक चार्ट देखते ही हमको तुरंत ही अंदाजा हो जाता है कि शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे से आता है। इसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके, ऑटो एक्सेल, ध्यान से देखिएगा जरा इस शेयर को और शेयर के चार्ट को। ऑटो एक्सेल हो गया था, अतुल ऑटो, ठीक है, अगेन डेली चार्ट पर जो भी शेयर के हाईज हैं ये सारे हाईज अपने पिछले हाई से और नीचे होते जा रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले हाईज सारे और जितने भी लोज हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये सारे लोज अपने पिछले लोज से और नीचे होते जा रहे हैं। ठीक, देन कम्स भारत फोर्ज, और ये देखिए ध्यान से पैटर्न देखिए, जितने हाईज हैं ये अगले हाईज जो भी हैं वो अपने पिछले हाईज से नीचे हैं, लोअर हाई, क्लियर हो गया, एंड देन लोज ऑटोमेटिक क्लियर है, लोअर लोज ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये। अब इसे आप चाहे जिस पैटर्न में हम बना रहे हैं, चाहे आप इस पैटर्न में बना दीजिए, या आप चाहे तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन बनाकर बताइए। इस पैटर्न से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो जा रहा है कि जो अगला हाई है, जो रीसेंट हाई बन रहा है, वो अपने पिछले हाई से नीचे बन रहा है, यानी शेयर ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अब शेयर ऊपर जा ही नहीं पाएगा तो शेयर अप ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा, और शेयर अप ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा तो शेयर डाउन ट्रेंड में होगा, और डाउन ट्रेंड में है तो फिर शेयर के अंदर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, अनटिल अनलेस आप एफएनओ सेगमेंट के अंदर के ट्रेडर ना हो, जबकि आप शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो। बट यहां पर हम एफएनओ सेगमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे, यहां हम प्योर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, सो शेयर अगेन आपने देखा, भारत फोर्ज हाई लोअर लो और लोअर हाईज बना रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि करंट लेवल पर भारत फोर्ज के अंदर क्या करना चाहिए, तो चार्ट देखिए, लोअर लो लोअर हाई आपको दिख गया पूरी तरह से, क्लियर अवॉइड कर दीजिए इस चार्ट को, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, फ्रेश बाय पूरी तरह से अवॉइड करना है, ये आपको पता है। बिरला केबल्स सेम पैटर्न, कोई नई चीज नहीं, हाईज क्लियर दिख रहे हैं आपको, ये सब मेजर हाईज हैं इनके, दिख रहा है, डाउन लोज मेजर लोज हैं, देखिए। अब बताइए अगर कोई कहता है कि भाई करंट लेवल्स पर बिरला केबल्स खरीद लें या नहीं खरीद लें, तो चार्ट देखिए और खुद ही जान जाइए, मतलब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़े 2-2 घंटे का बिजनेस चैनल्स का, उसके बाद जब वो ट्रेडर हॉटलाइन शुरू करें और तब फिर आप कॉल करें उनसे और उसके बाद पूछें उनसे, और फिर अगर उनकी नज़र इनायत हो आपके ऊपर तो फिर वो आपको जवाब दें और तब आपको आंसर मिले, ये कोई रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर? सिंपल सा एक फैक्ट है जो आपको पता लगाना है। बीपीएल दिख रहा है, मेजर डाउन ट्रेंड है, और मेजर डाउन ट्रेंड है क्यों, थोड़ा सा काबिल बन जाते हैं और आपको एक स्मार्ट सा टर्म सिखा देते हैं,
लोअर लोज और लोअर हाईज, और जब हम ये कहते हैं कि नहीं शेयर करंटली लोअर लोज और लोअर हाई दिखा रहा है और आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि लोअर लो लोअर हाई कहते किसको है, तो आपको लगेगा अरे भाई साहब ये एनालिस्ट तो बहुत कुछ जानता है, ये तो इतने कठिन टर्म इस्तेमाल करता है ना कि समझ ही नहीं आते, इसका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। और देखिए ज़रा नॉलेज क्या है, 1 मिनट का नॉलेज है ये सिर्फ, ठीक है ना, लोअर लो लोअर हाई। इसीलिए हम कहते हैं फ्रेंड्स कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं चाहिए आपको, 30 दिनों से ज़्यादा का वक्त नहीं चाहिए आपको डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, हर बार का जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे है, तो यानी लोअर हाईज, और हर बार का जो लो है नया लो वो पिछले लो से नीचे है, सो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई। शेयर पूरी तरह से अवॉइड करना है, बीपीएल दावत, एलएनटी फूड नाम है इसका, ध्यान से देखिए सेम वही हालत है, हाईज देखते रहिए, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? इसीलिए हम लोग को लगता है कि ये मतलब आप लोग के कहने पर हम ये वीडियोस बनाते हैं जबकि ये इतना आसान है टेक्निकल एनालिसिस, हवा है बिल्कुल, मक्खन है, देखिए दिख रहा है। अब कोई अगर पूछता है सर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इसके अंदर एफडीआई को बढ़ाना, तो क्या दावत खरीद सकते हैं क्या? एलएनटी फूड नाम बड़ा अच्छा लग रहा है और एक दिन आपने देख लिया कि शेयर निचले स्तरों से कहाँ से 22 रुपए से और बढ़ते हुए 25 रुपए, 3-9% के करीब एक दिन बढ़ गया और आपको लगा कि भाई एलएनटी खरीद लेना चाहिए हमको, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, बिजनेस चैनल्स ने भी डिस्कस कर लिया है और शेयर भी 9% बढ़ा हुआ है, जबकि आप जब उसका पूरा चार्ट देखते हैं तो देखते क्या है भाई, ये तो लोअर लो लोअर हाई है। और साथ ही साथ शेयर अकेडमी का जो 16th नंबर का वीडियो था उन्होंने कहा था कि लोअर लो लोअर हाई अगर दिखता है तो उससे अवॉइड करना है, क्लियर आपको पता है शेयर को अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाई नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोज हैं सेम वैसे ही बताइए, मतलब रात के 12 बजे अगर जाग कर हमको आपको इतने हल्के वीडियोज़ देने पड़ रहे हो, बट ये हल्के वीडियोज़ हमारे लिए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ये हल्के वीडियोस हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज है, जिसके पास में नॉलेज नहीं है उससे पूछिएगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, आरकॉम सुजलॉन को खरीदने के लिए तैयार हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं, बीके स्टील एक शेयर था उसको खरीदने के लिए तैयार, वाबाग को खरीदने के लिए तैयार थे जबकि डाउन ट्रेंड के अंदर था शेयर, वो भी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर। तो आसान हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमको इसकी नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए ये सबसे कठिन है। एक पहेली जिसका जवाब पता है अगर किसी 3 साल के बच्चे को तो वो उसके लिए सबसे आसान है, लेकिन अगर पहेली का जवाब आपको नहीं पता है तो अगर आप 60 साल के बूढ़े भी हैं तो भी आपके लिए वो सबसे कठिन है, ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर ध्यान से देखिए, खूब पूछते हैं लोग, एक दीपक नाइट्राइड एक दीपक फर्टिलाइजर, एक तो है अपने 52 वीक्स हाई पर और दूसरा है 52 वीक्स लो पर, और सीधा चार्ट देखते ही हम कह देते हैं कि भाई इससे दूर रहना है, क्यों? क्योंकि हमको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आपको भी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा बस उसके बाद, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई दिख गया, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, क्यों? ये देखिए लगातार जो अगला लो बन रहा है वो पिछले वाले लो को तोड़ता हुआ नीचे चला जा रहा है, शानदार ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ठक 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 गिरता हुआ लगातार नीचे, ठीक है, और सीढ़ियों से भी नहीं आ रहा है, क्यों? बुल्स कूदता है खिड़की से बाहर जाता है, नहीं बुल चढ़ता है सीढ़ियों से और बियर कूदता है खिड़की से, ठीक है। डीएचएफएल पूछते रहते हैं लोग, सर खरीद लें खरीद लें, हम हर लेवल पर मना कर रहे हैं, क्यों हर लेवल पर डीएचएफएल क्यों मना कर रहे हैं भाई? उसकी वजह है लोअर लो लोअर हाई, ये दिख रहा है देखिए, और वो कहते हैं कि आपकी डीएचएफएल से नाराजगी हो रखी है इसलिए बाय करने के लिए नहीं कहते हैं, अरे पैटर्न क्लियर दे रहा है, टेक्निकल एनालिसिस को प्रूफ कर रहा है, तो इसमें बाय कहाँ से करें? ये देखिए ये अगला लो देखिए बन रहा है पिछले वाले लो से नीचे, तो जब ऐसा हो रखा है तो फिर फ्रेश बाय कहाँ से करना है? आइडिया, चलिए बेहतरीन शेयर दिखाते हैं आपको, यहीं सामने ही ले लेते हैं। आइडिया अवॉइड करने के लिए क्यों कहा था हमने? हमने कहा भाई आइडिया अवॉइड करना है हर लेवल पर, तो ऐसा थोड़े कि हमको कहीं किसी ने आके बताया कि आइडिया अवॉइड करना है, चार्ट देखिए और खुद जान जाइए, ये देखिए दिख रहा है सारे जो अगले हाईज हैं वो सब नीचे बनते जा रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं, और लो का तो खैर कहना ही क्या, ठीक है, लोअर लोस, ये तो कंपनी बंद होके मानेगी आइडिया की, देख लीजिएगा ये पेनी शेयर नहीं है, ये आरकॉम है, पेनी शेयर और आरकॉम के अंदर फर्क है, पेनी शेयर का मतलब है कि वो भविष्य में दोबारा से अब ट्रेंड दिखाएगा, आरकॉम का मतलब है कि वो तो जाके बंद हो जाएगी कंपनी, ठीक है। इमामी देखिए बिजनेस चैनल पर डिस्कस हुआ, हमने कहा अवॉइड करो, क्यों भाई अवॉइड करो? वजह है क्लियर, क्या? ये हाई दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है, ये हाई देखिए, फिर ये हाई आया, देन ये आया, देन ये आया, देन ये आया, तो जब अगले हाईज हर बार नीचे बन रहे हैं तो शेयर में क्यों परचेज करना? क्या मार्केट में यही एक शेयर बचा हुआ है क्या? लोअर हाईज हैं और लोअर लोज देख लीजिए, इसके लोज देखिए, ये है, ये अगला लो देखिए, ये बन रहा है, ये सारे मेजर लोज हैं, ठीक है। तो जब लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो शेयर के अंदर क्यों जाना? और सबसे लास्ट एक साइड दिखा देते हैं, हर दूसरे दिन पूछते रहते हैं, अमर राजा बैटरीज खरीद लें, एक साइड खरीद लें, अरे नहीं खरीदना है, ऑटो इंसिलरी है,
ऑटो सेक्टर का ही जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑटो एंसिलरी में मूवमेंट कहाँ से हो जाएगा भाई? बात समझने की मतलब कोशिश ही नहीं करते। ये टॉप है, ये टॉप, ये दिख रहा है, सारे के सारे क्या हैं? लोअर हाइज हैं, और लोज सारे के सारे लोअर लोज, नीचे जा रहा है। जब शेयर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो फिर बाय क्यों करना? अब देखिए इतनी देर खींच दिया सेशन को, 15 मिनट, उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल शेयर का चार्ट ओपन करना है, लॉन्ग टर्म का, हमेशा ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करना है, डेली का, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का, शेयर का पैटर्न देखना है। पैटर्न के अंदर अगर लोअर हाईज लोअर लो बन रहे हैं तो चार्ट को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है, फिर उसके बाद उसमें फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। ये नंबर 1 सबक है मार्केट का कि गिरते हुए शेयर के अंदर परचेजिंग नहीं करनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आपने 50% अपना लॉस बचा लिया, फिर आप चढ़ते हुए शेयर्स को बाई कीजिए, चढ़ते हुए शेयर्स को बाई कीजिए, अच्छे शेयर्स को जिनके अंदर ग्रोथ है, वहां से आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इम्बी जैसा शेयर देखिए, हैवल्स देखिए, वी गार्ड देखिए, ये सारे शेयर्स हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर लोअर लो लोअर हाई को अवॉइड करना है तो फिर बाई किसको करना है? ठीक इसके उल्टे को, जो कि हम लेकर आएंगे अपना अगला वीडियो, इसी सीरीज का 17th वीडियो होगा। और फ्रेंड्स जरा कुछ शेयर्स के नाम दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ शेयर्स के नाम दीजिए जो आप अपनी नॉलेज से बता सकते हो कि जिसके अंदर लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे हैं, और हम भी उसे क्रॉस चेक करके देखते हैं कि किस हद तक आप लोग एनालिसिस करने के लायक हो गए हैं। अगर कमेंट्स होते हैं हमारे पास में करीब करीब 100 के, तो अगला वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे इसका। साथ ही साथ अपने कमेंट से हमें ये भी बताइए कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है या नहीं, या ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके वीडियोस पर जो कमेंट्स आते हैं आपके, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ नए वीडियोज बनाने के लिए। और ध्यान रखिए पूरा जुलाई और अगस्त सीरीज लर्निंग के ऊपर ही ओरिएंटेड होगा। इस पूरे जुलाई और अगस्त सीरीज के दौरान हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे, मोटा मोटी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देकर। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट, साथ ही अपने कमेंट जरूर डालिए। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और साथ ही अगर आप चाहें तो मन की बात सीरीज की तरह जो ये वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसे वीडियोस बनाकर आप हमारे पास में भेज सकते हैं। मॉडरेटर का नंबर है हमारे स्क्रीन पर ये सामने, इनके नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए वीडियोस बनाकर, हम आपके वीडियोस आपकी परमिशन से अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आप बनेंगे हमारे चैनल का हिस्सा। अब आपसे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग के सेशन में, जो कि होगा 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चैनल किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहा है, स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहा है पेटीएम नंबर पर पेटीएम डोनेशन कीजिए, साथ ही आप गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहा है। ओके, सो अब इस चैनल को, इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्रेंड्स करेंगे यहीं पर स्टॉप। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन के दौरान, जो कि होगा हमारा 17th वीडियो लर्न टू अर्न सीरीज का। तब तक के लिए लगातार सीखते रहिए और अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।